Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see looping in JSX. Yeah guys, so today we are going to be very awesome because today we are going to see looping in React. So first of all, I want to tell you guys, loop we have already seen in our world by JavaScript course. If you haven't checked out yet, then check out React may be way. Okay? So Siddha, I'm going to go here and I think as finally I didn't put hanky because I was a little tackled. But whatever it is, now it's a little bit good. So you can see looping in JSX. तो एक चीज तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ गाइस, वी डोंट हैव फॉर लूप्स इन जेएसएक्स. आई नो द मोमेंट हम लूप्स की बात करते हैं आपके माइंड में फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स ये आता है, बट इन रिएक्ट लाइक हम फॉर लूप्स यूज नहीं कर सकते बिकॉज हम जेएसएक्स पे काम करते हैं रिएक्ट के अंदर, राइट. सो वी हैव टू यूज डॉट मैप मैथड. जी हाँ गाइस, तो हमें क्या यूज करना रहता है, वी नीड टू यूज डॉट मैप मैथड ऑफ एरे. जी हाँ, सिंपल, ठीक है. एंड देन ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आप लोगों के समक्ष दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम जो मैप मैप मेथड की मदद से लूप कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी, जो सेम हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, स्टूडेंट्स डॉट मैप. देन हियर वी हैव फ्यू आर्गुमेंट्स, आपका बेसिकली ये करंट एलिमेंट का डेटा, देन इंडेक्स, फिर एरे, फिर आपका दिस आर्गुमेंट, वो सब आता है. एंड हियर वी हैव वन की जो हमें पास करना पड़ता है इन मैप, एंड देन वो स्टूडेंट आप पास कर रहे हो. तो बेसिकली आप जस्ट स्टूडेंट्स, एक एरे ऑफ स्टूडेंट्स होगा आपके पास और नाम आप दिखा रहे हो यहाँ पे. ऑलराइट, अगर ये हम देखें तो आप देख सकते हो कि बता रहे कि रिएक्ट जेएस विल कंप्लेन इफ यू डोंट पास की प्रॉप्स टू एलआई. ओके, तो ये जो चीज है कि अगर आप मैप यूज करते हो एंड अगर आप ये जो की है ये पास नहीं करते हो तो आपको गाइस वो एरर थ्रो करता है रिएक्ट. इसके पीछे का क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आई होप आपको पता चल गया. मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये कि अब आप यहाँ पे Here we have a for loops, तो अब आप for loop का यूज नहीं कर सकते इन React. तो गाइस इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ. तो सबसे पहले तो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस को चेकआउट नहीं किया प्लीज चेकआउट कर लीजिए, बिकॉज सभी के सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंड हम सिक्वेंस वाइज जा रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले कि हम एक नेटफ्लिक्स का अगर कार्ड्स बनाते तो हमें क्या क्या नीड होती है, एंड उसी के ही चलते हम चीजों को समझते जा रहे ताकि आपको भी फन हो कि एट द एंड चलो हम कुछ ना कुछ नया बनाते जा रहे हैं. एंड साथ ही साथ गाइस बहुत मेहनत करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है. एंड दोस्तों को भी बर बर के शेयर कर दीजिएगा, एंड सब कुछ सोर्स कोड सब कुछ फ्री ऑलरेडी है, पुराना रिएक्ट भी है, कोर्स भी है, सब कुछ है इधर. ऑलराइट, तो एट द एंड कुछ हमें ऐसा दिखने वाला है. आप देख सकते हो कितना ऑसम एक कार्ड है. एंड फाइनली अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे सभी के सभी इमेजेस सेम थे, सभी के सभी डेटा सेम थे, बट दिस टाइम आप देख सकते हो गाइस लवली रनर ये लाइक कोरियन में तहलका मचा रहा है. 9.8 की रेटिंग है, 9.1 की रेटिंग होगी इसको, है ना, स्ट्रेंजर थिंग्स. तो नेटफ्लिक्स के जितने भी सीरीज है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. तो ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बिना यू नो मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखे ये आप कैसे गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप्स, ठीक है. ऑल आइडिया, सो हम स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स गो विद आवर वीएस कोड एडिटर. तो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी हैव जेसन डेटा, ठीक है. अब फाइनली आप एपीआई के साथ खेलने वाले हो, हालांकि एक्चुअल एपीआई के साथ हम थोड़ा बाद में खेलेंगे, बट एटलीस्ट अब आपको पता चल जाएगा कि हम एपीआई के साथ कैसे खेल सकते हैं. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. सो द थिंग इज कि जब आप एपीआई का डेटा जो कि आपका जेसन फॉर्मेट में होता है उसको आप कहाँ पे इंक्लूड करोगे इन आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो हियर वी हैव दिस सोर्स फोल्डर, सोर्स के अंदर ही आपका सब कुछ होता है. इनसाइड सोर्स वी विल क्रिएट वन फोल्डर कॉल्ड एपीआई, एंड द मोमेंट एपीआई लिखता होगा इसे अपना जो लूक है वो चेंज कर लेता है. आप देख सकते हो इस फोल्डर अपने आप चेंज हो गया वीएस कोड एडिटर में, कंपोनेंट्स के समय भी देखो वो अपने आप चेंज हो गया था, है ना. तो ये बहुत ही ऑसम है कि अपने आप चेंज हो जाता है. नाउ इनसाइड एपीआई वी नीड टू क्रिएट वन फाइल जिसका नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर द टाइम बीइंग सीरीज डेटा डॉट जेएसएन लिख रहा हूं मैं. आप आइकन चेंज होते हुए देख सकते हो, मैंने डेटा एड कर दी. सो इनसाइड सोर्स फोल्डर वी क्रिएट वन फोल्डर कॉल्ड एपीआई, एंड इनसाइड एपीआई वी क्रिएट वन फाइल नेम्ड सीरीज डेटा डॉट जेसन. ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट डॉट जेसन दे दीजिएगा. चाहो तो आप डॉट जेएस भी दे सकते हो, देन आपको इसको एक एरे एंड देन एक्सपोर्ट एंड ऑल करना पड़ेगा, बट फिलहाल ये अभी आपका एक जेसन फाइल है. अब इसको एक एपीआई समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो इट्स एन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें पहले ऑब्जेक्ट में वी हैव दिस नेम, आईडी, इमेज का यूआरएल, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन, कास्ट, जॉनर, एंड देन ये आपका एक लिंक है. जब भी तो बेसिकली मजा आ जाएगा. हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया कि अगर आप यहाँ पे चलते हो एंड इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो गाइस आप वो जो बेसिकली सीरीज है उसको आप देख सकते हो. आप देख रहे हो कितना ऑसम है कि आपका जो टॉप बेस्ट है वो यहाँ पे आएगा एंड आप ऑटोमेटिक उसको कभी भी अपनी मर्जी से देख सकते हो. सब कुछ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप देखना अभी मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा,
मैं सिर्फ नेम रेटिंग ये जो दिख रहा कुछ नहीं करने वाला, ये सब कुछ अपने आप आने वाला। अभी आप देखिए जादू देखिए रिएक्ट का, ठीक है। सो मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने इस तरीके से क्रिएट कर ली। एंड आई जस्ट रियलाइज आई नीड वन मोर थिंग एंड दैट इज मेरे पास एक इमेजेस का फोल्डर है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन वी हैव दिस पब्लिक। अभी पब्लिक के अंदर कैन मैं ऑलराइट ऑसम सी मैंने पेस्ट कर दी सारी की सारी। ये जो है इसकी मुझे नीड नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। या सो नाउ वी हैव दिस इमेजेस ओवर हियर, जिसमें अगर आप क्लिक करते हो तो देखो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारी इमेजेस है गाइस, डोंट वरी, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ये सारी इमेजेस मेरे नहीं है, मैंने जस्ट गेट की है, ठीक है। आई होप कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए इमेज के लेके, बट जो भी हो चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। परफेक्ट, तो कंट्रोल एस सेव। सो हमने इमेजेस गेट कर ली, हमारे पास जेसन का डेटा आ गया, अब ये सबको हटाओ। ऑलराइट, तो देखो ये एक फाइल है। हाँ, अब यहाँ पे वी हैव इतना सारा, तो अभी मैं क्या करता हूँ, हेडर हटा रहा हूँ, मैं फोटो हटा रहा हूँ। कल की वीडियो में हमने जो भी किया था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो समझा था, हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड नेटफ्लिक्स सीरीज पे चलता हूँ। एंड यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे पार्ट है इसको भी मैं फिलहाल अब हटा दे रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल अभी हमें सिर्फ कार्ड से मतलब है। ऑलराइट, अब इतना सारी चीजें है, चलो इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी गाइस, मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ये सब की भी मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है। ऑलराइट, परफेक्ट, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। सो नाउ व्हाट वी हैव जेसन का डेटा, वी हैव आवर ऐप, एंड देन वी हैव आवर नेटफ्लिक्स का सीरीज इस तरीके से, ठीक है। अब लूपा में चलाना है, देखो कैसे। सबसे पहले तो जो हमने जेसन फाइल क्रिएट की उसको हमें गेट करना होगा इन आवर नेटफ्लिक्स सीरीज। कैसे गेट करेंगे, देखो सिंपल है, हमने ऑलरेडी देखा था कैसे हम कर सकते। सो इट्स अ इम्पोर्ट, एंड आप कुछ भी नाम दे दीजिए, लेट्स गो विद सीरीज डेटा, इक्वल टू ने लिखना है फ्रॉम, ठीक है। एंड आई गेस इट्स डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश या API फॉरवर्ड स्लैश सीरीज डेटा डॉट जेसन, परफेक्ट। सो अब इसमें मुझे ना सारा का सारा डेटा आ चुका है। तो अब देखो ये हमारा रिटर्न है, एंड ये सारे हमारे इमेजेस के फाइल है। अब ध्यान से देखना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ, सब ना अब हमारा डायनेमिक वैल्यूज होने वाले हैं, सबके सब क्या होने वाले हैं, हमारे डायनेमिक वैल्यूज होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वी हैव अ सीरीज डेटा, वी हैव अ जीरो इंडेक्स, मतलब हमारा जो जीरो इंडेक्स पे जो भी हमारा पहला एलिमेंट है, डॉट वी हैव अ इमेज का URL, दिस इज इट, इस तरीके से, ठीक है। इसी को ही मैं कॉपी करूंगा, आई मीन नॉट इसको, एंड यहाँ पे डॉट लगा दूंगा, तो ये नेम भी हमें वहां पे मिल गया, ठीक है। अब उसी तरीके से ये रेटिंग्स जो थी, इसको भी मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट, एंड देन डॉट वी हैव अ रेटिंग समरी, वहां पे नहीं है, वहां पे वो डिस्क्रिप्शन के नाम पे है, जनर वहां पे होगा डॉट जनर, ठीक है, इस तरीके से। एंड हियर वी हैव दिस मच बटन, इतने सारे बटन की मुझे नीड नहीं है, बट मैं एक पहले एंकर टैग लूंगा, जिसको गाइस मैं कर्ली ब्रेसेस देके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, डॉट वॉच URL है। एंड हियर वी हैव टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। अब ये जो पार्ट है इसको हटाओ यहाँ से, एंड यहाँ पे रख दो। एंड ये जो पर्टिकुलर चीज है, अब इसकी मुझे फिलहाल कोई नीड नहीं है, मैं चाहता हूँ भाई सब मिलके देखेंगे, वॉच नाउ, ठीक है। एंड कुछ चीज रह गया क्या यहाँ पे, वी हैव ए जनर एंड वी हैव अ कास्ट ऑल्सो, सो हियर वी हैव अ कास्ट, ठीक है, जो जो कास्ट थे वहां पे। एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड मैंने कर दी पेस्ट, एंड हियर वी हैव अ कास्ट ऑल्सो, दिस इज इट। सो आप देख रहे हो कि गाइस अब ना मुझे कुछ करने की नीड नहीं है, हमने एक फाइल क्रिएट की, बेसिकली एक जेसन बनाया, एंड उसमें जो भी फर्स्ट आपका आप कह सकते हो जो डेटा है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका डेटा आप मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये जो है एक्सपोर्ट मैंने कर दी है बाय डिफॉल्ट, तो मैंने गेट कर रखा है। एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतनी बार वो रिपीट हो रहा है, फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे इतनी बार वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ऑल राइट, यहाँ पे चल के काम नहीं है, मुझे इसको पहले रन करना पड़ेगा, एंड वन एंड देन डेव, अगर आप npm यूज करो तो npm रन एंड देन डेव आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ लोकल होस्ट, एंड ये 5174, ठीक है, अबाउट की नीड नहीं है मुझे। या सी, मुझे मेरा आउटपुट आ गया, आप देख सकते हो गाइस कितना प्यारा एंड देन कितना ऑसम लग रहा है कि मुझे मेरा डेटा आ गया। एंड द बेस्ट पार्ट, द मोमेंट मैं वॉच नाउ पे क्लिक करता हूँ वो यहाँ पे चला गया अपना। द थिंग इज, यहाँ पे इतने सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक दिखाई दे रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है ये ऑलरेडी एक डीप है, राइट,
एक काम कर दो ना, लेट्स गो विथ यूएल, राइट? सॉरी, आप ऊपर तो लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे यूएल कर दीजिए. एंड देन या परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. एंड ये जो डिव है, इंस्टेड ऑफ डिव लेट्स गो विथ एल आई. एंड फॉर द यूएल हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोज टैग. ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्लोजिंग टैग की जरूरत होती है हमें. ठीक है, अब ये एक एल आई है आपका, इस एल आई को कॉपी करो, पेस्ट कर दो. ठीक है, अब जहां जहां ये आपको दिख रहा है, सो गाइस आप देख ही सकते हो कि बस मुझे 111 लिखना था, मुझे मेरा सेकंड डेट आ गया. उसी तरीके से ये जो पार्ट है एल आई, है ना, एल आई वाला जो पार्ट है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड मैं पेस्ट करता हूँ. ठीक है, एंड ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहां पे 111 लिखा हुआ है, उसको हटा के मैं 2 कर रहा हूँ. ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलूंगा 1 2 एंड देन 3. वाओ, है ना, कितना ज्यादा ऑसम. सो गाइस कैसा लग रहा है, ये था ना बहुत ही ज्यादा ऑसम, राइट? सो नाउ हियर इज अ वन प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि दो हमारे पास डेटा हमें जिसन से मिल रहा, हमें फालतू की इतने सारे इमेजेस का नाम ये सब लिखने की नीड नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है. बट स्टिल व्हाट वी आर डूइंग इज कि रिपीटेटिव वाला काम हो रहा है. ये हमें मालूम है यार कि ये जो पार्ट है, एक बार ये बन गया तो बाकी सब भी तो वही है, सिर्फ चेंज एक चीज हो रहा है, एंड दैट इज कि ये 0 के बदले यहाँ पे 1 आ गया, 1 के बदले यहाँ पे 2 आ रहा है. तो अगर मैं लूप चला दूं एंड 1 2 3 खुद से इंक्रीमेंट कर दूं, आपके माइंड में वो चीज आ रहा है. तो इसलिए ही गाइस हमें लूप की बहुत आवश्यकता पड़ती है. एंड ये एग्जांपल देखे तो आपको क्लियर कट हो गया कि सिर्फ 3 पाने के लिए मुझे इतना करना पड़ा, तीसरे के लिए फिर वापस यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. तो इतना सब कुछ हमें लिखना ना पड़े मेरे सीरीज में, मेरे ये जेसन फाइल पे जितने भी मेरे डेटा है, जितने भी सीरीज का डेटा है यहाँ पे, सब एक ही बार में आ जाए सिर्फ एक बार कोड लिखने से. तो उसके लिए हम लूप का यूज करते. तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जितने भी मेरे एल आई है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ. या परफेक्ट, ऑलराइट, ध्यान से देखिएगा आप मैं क्या करता हूँ. सो अब हम यूज करने जा रहे हैं लूप का. ठीक है, तो ये रिटर्न, वी हैव दिस यूएल, एंड मैं इसके नीचे चलूंगा, एक कर्ली ब्रेसेस दूंगा. हियर वी हैव अ सीरीज का, एक सेकंड, इट्स अ सीरीज डेटा डॉट मैप मेथड. एंड गाइस प्लीज, अब इफ यू डोंट नो व्हाट इज मैप मेथड, आई हाईली रिकमेंड प्लीज ये जो जावास्क्रिप्ट कंप्लीट, इसमें एरे वाले सेक्शन पे आप जाइएगा, चैप्टर्स पे, वहां पे मैप आपको मिलेगा, आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी. पूरा मैंने एनिमेशन के थ्रू आपको बताया हुआ है. ठीक है, प्लीज देख लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये दुनिया तक पहुंचे, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो में. ऑलराइट, यहाँ पे आइए. सो यहाँ पे आपका फर्स्ट रहेगा करंट एलिमेंट, देन आपका आता है इंडेक्स एंड ऑल, बट उसकी हमें बिल्कुल नीड नहीं, बिकॉज द थिंग इज कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे आईडी हमें मिल रही है एपीआई में ही, जो कि बहुत अच्छी बात है. ठीक है, सो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पे मैं चलता हूँ. अब मेरा ये जितने भी एल आई है, इसको मैं हटा के यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है, दिस इज इट. सो एंड एट द एंड में ये आप हटा दो, ओके, ऑटोमेटिक आ रहा है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, अब जहां जहां ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट का मतलब है ये वाला पार्ट. तो सीरीज अब 0, सीरीज 0, सेकेंड लूप में वो सीरीज 1, थर्ड पे सीरीज 2, इस तरीके से चलता जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ. तो वाओ, सी कितना इजी हो गया, बस इतना ही मुझे लिखना था. अब फाइनली यहाँ पे मैं चलता हूँ. सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी, ओ माय गॉड, कुछ तो प्रॉब्लम, आई गेस कीज का प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे. नहीं, नॉट इवन अ कीज, ओके, आई एम रियली सॉरी. द थिंग इज कि जब आप इस तरीके से मैप मेथड यूज करते हो, वी नीड टू रिटर्न समथिंग, राइट? तो हम देखो ना, ये हम रिटर्न कर रहे हैं यूएल, बट यूएल के अंदर ये जो पर्टिकुलर हमने लूप चलाया मैप मेथड की मदद से, इसके थ्रू तो हमने कुछ भी रिटर्न किया ही नहीं. सो वी नीड टू रिटर्न इस तरीके से, एंड आई लाइक इट. ठीक है, यहाँ पे चल के इसको क्लोज कर देना इस तरीके से, परफेक्ट. नाउ द थिंग इज, अब ये जो आपको इतना लाल लाल वेब दिख रहा है, बिकॉज मिसिंग की प्रॉप्स फॉर एलिमेंट इन इटरेटर. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, React.js will complain. क्या लिखा है? React.js will complain if you don't pass key props to li. अब आपको पता चल गया, क्योंकि हम तो लाइव एग्जाम्पल देख रहे हैं, एंड अगर आप की पास नहीं करते हो तो वो आपको एरर देता है. एंड हमें की क्यों पास करना है? We need to pass key so that, देखो, React.js uses key keys to differentiate each element so that it can remove or edit the correct element when a student gets added or removed. एंड यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात इसलिए करें क्योंकि हमने एग्जांपल पे स्टूडेंट्स रखा हुआ है, बट वहां पे हम कार्ड्स के साथ खेले नेटफ्लिक्स का डेटा. तो की, इट्स लाइक आप जब भी स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आपको एक आईडी कार्ड मिलता है, जो आप अपने यहाँ पे लटकाते हो, अपने जेब में रखते हो,
उस आईडी कार्ड में आपका एक इधर आईडी नंबर और रोल नंबर वो एकदम यूनिक रहता है और वो किसी से मैच नहीं खाता है। सो वही एक यूनिक आइडेंटिटी ही आपकी आईडी है, बेसिकली उसी को ही रिएक्ट में की कहते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो पर्टिकुलर कार्ड है ये किसका कार्ड है, ये बेसिकली कौन सा कार्ड है। कल को यूजर ने बोला मुझे इसको रिमूव करना है या इसको डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो वो की प्रॉप से आपका सबसे ज्यादा काम आता है चेक करने में कि यूजर ने किसको क्लिक की, राइट। सो नाउ हियर वी हैव दिस li, हियर वी विल हैव दिस की करंट एलिमेंट डॉट आईडी। देखो ये लिखते ही आपका वो सब एरर चला गया, हमने रिटर्न भी कर दी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस सी। देखो ये जो यूनिक की प्रॉप्स था वो भी अब चला गया क्योंकि मैंने की एड कर दी है। नाउ देयर विल बी नो मोर एरर एंड हमारा ये जो पार्ट था कितने ऑसम तरीके से ये देख लीजिए, स्क्विड गेम क्वीन अप टीयर्स तो जो मैं तब से चला रहा था एंड अभी जो लवली रनर है ऑसम परफेक्ट मजा आ गया, ये आपको विकी में देखने मिलेगा। कहीं भी अगर आप क्लिक करते हो इस तरीके से वॉच नाउ पे तो लिंक तो मैं आपको दे दूंगा, आप इस तरीके से देखो नेटफ्लिक्स में जाओ, मतलब कितना ऑसम है कि आप रिएक्ट की मदद से अपना खुद का एक वेबसाइट बना रहे हो जहां पे टॉप 10 सीरीज आप ऐड कर सकते हो एंड कोई भी बंदा आराम से उसको वहां पे देख सकते हो, जिसको आप अपडेट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड ये जो मैप मेथड है आपको लाइक मजा आएगा। देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा था हमें उस समय यू नो पूरा इंडेक्स नंबर के साथ खेलने में, बट एक लूप ने पूरा मजा, देखो बस इतना ही कोड है एंड यहाँ पे भी एक ही बार मैंने पास की हुई है एंड यार मेरा काम हो गया इतने से ही। मेरा यहाँ पे एक और चीज ये जो अल्टरनेट है यहाँ पे भी करंट एलिमेंट डॉट आई डी आप दे सकते हो या तो नेम दे सकते हो, ठीक है इस तरीके से, ताकि ये एकदम परफेक्ट हो जाए। सो या दिस इज इट, सो गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज ये जितने भी मेरे सीरीज इसको चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये लेटेस्ट वर्जन 19 जो कि अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ही रिलीज हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड है। प्लीज अपने दोस्तों को भी भर भर के शेयर कीजिए, अब जितने भी पुराने वीडियोस थे अब वो गाइस रहने दीजिए, है ना, उसको रहने दीजिए, अब ये आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ये जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में एरे वाला पार्ट एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, सोर्स कोड जेसन फाइल सब मैं शेयर कर दूंगा, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।